So today we'll discuss about the microprogram sequencer in detail. In the previous video of design of microprogram control unit part 1, we have studied about what is microprogram control unit and what are the basic components that are required for the designing of the microprogram control unit. Microprogram control unit ko design karne ke liye hame kaun kaun se component ki zarurat hoti hai. तो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि इसके लिए हमें एक माइक्रोप्रोग्राम सिक्वेंसर की ज़रूरत पड़ती है, एक कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है, एक कंट्रोल मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है एंड द लास्ट कंपोनेंट दैट इज़ रिक्वायर्ड इज़ कंट्रोल डेटा रजिस्टर। ये चार बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट पड़ता है ड्यूरिंग द डिज़ाइन ऑफ माइक्रोप्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। नाउ वी विल डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डिज़ाइनिंग ऑफ माइक्रोप्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, दैट इज़ द वेरी फर्स्ट पार्ट or we can say very first component during the design process, and that part is the microprogram sequencer. ठीक है, तो सबसे पहले जो main component है सबसे ज़्यादा designing के time पे जिस part की ज़रूरत पड़ती है वो है microprogram sequencer. इस microprogram sequencer को हम next address generator भी बोलते हैं। जो microprogram sequencer है इसका दूसरा नाम क्या है? next address generator. क्यों? क्योंकि इसकी ही help से हम ये पता लगाते हैं कि माइक्रोप्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के अंदर जो कंट्रोल मेमोरी होती है उस कंट्रोल मेमोरी में माइक्रो इंस्ट्रक्शन स्टोर रहते हैं। तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन किस एड्रेस पर हैं, माइक्रो इंस्ट्रक्शन किस एड्रेस पर हैं, ये हमें जनरेट करके देता है कौन? माइक्रोप्रोग्राम सिक्वेंसर। सो माइक्रोप्रोग्राम सिक्वेंसर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो कंट्रोल मेमोरी के अंदर माइक्रो इंस्ट्रक्शन हैं उनका एड्रेस पता कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमें माइक्रोप्रोग्राम कंट्रोल यूनिट की कंट्रोल मेमोरी के अंदर ये नहीं पता होगा कि कंट्रोल इंस्ट्रक्शन या कह सकते हैं माइक्रो इंस्ट्रक्शन किस एड्रेस पर हैं, तब तक हम कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट नहीं कर सकते। तो ये माइक्रोप्रोग्राम सिक्वेंसर का दूसरा नाम क्या है? नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर है। क्यों? क्योंकि ये नेक्स्ट एड्रेस जनरेट करता है माइक्रो इंस्ट्रक्शन का, कहाँ पर? कंट्रोल मेमोरी में। और इसके एड्रेस जनरेट करने के चार मेथड हो सकते हैं, यानी कि माइक्रोप्रोग्राम सिक्वेंसर कंट्रोल मेमोरी में चार तरीके से माइक्रो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जनरेट कर सकता है। ठीक है, वो कौन कौन से मेथड्स हैं उनको हम वन बाय वन देखते हैं। पहला मेथड है इंक्रीमेंट द कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, यानी आपको सिर्फ क्या करना है कि जो इनिशियल एड्रेस होगा कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर का उसमें क्या ऐड कर देना है? प्लस वन ऐड कर देना है। मान लो कंट्रोल मेमोरी है आपकी, ये आपके इसके अंदर क्या पड़े हुए हैं? माइक्रो इंस्ट्रक्शंस पड़े हुए हैं। अगर इनिशियल माइक्रो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस 100 था, किसमें? कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में। ये हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर किसको सेव करता है? जो नेक्स्ट एड्रेस जनरेट होता है उसको सेव करता है। ठीक है, तो मान लो अगर स्टार्टिंग एड्रेस 100 है माइक्रो इंस्ट्रक्शन का, तो अगला एड्रेस आप कैसे पता लगा सकते हो? माइक्रोप्रोग्राम सिक्वेंसर अगला एड्रेस कैसे पता लगाएगा? पहला मेथड, बाय इंक्रीमेंटिंग द कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर। यानी अगर कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में 100 स्टोर्ड है तो हमें पता है कि अगला एड्रेस कहाँ पर आएगा, अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दिक्कत कर रही तो 101 पर अगला माइक्रो इंस्ट्रक्शन होगा। और अगर कोई भी ब्रांचिंग या कोई भी सब रूटीन, कोई भी इंटरप्ट नहीं है तो अगला इंस्ट्रक्शन माइक्रो इंस्ट्रक्शन कहाँ पर होगा? 102 पर होगा। यानी कि हमें सिर्फ क्या करना है, नॉर्मल कंडीशंस में सिर्फ माइक्रो इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस, जो कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में पड़ा हुआ है उसको प्लस वन कर दीजिए। ठीक है, जैसे मेन मेमोरी हम प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को क्या कर देते हैं, जब तक कोई स्पेसिफिक ब्रांच वगैरह या इंटरप्ट नहीं होता प्लस वन कर देते हैं, सी इक्वल टू पी सी प्लस वन। प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को हम क्या कर देते हैं? वन प्लस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है तो अगला इंस्ट्रक्शन बाई डिफॉल्ट कहाँ पर होगा? उसके अगले लोकेशन पर होगा। इसी तरीके से जो कंट्रोल मेमोरी आपकी होती है, जो कंट्रोल मेमोरी होती है उसमें भी माइक्रो इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? लगातार कॉन्टिन्यूस लोकेशंस पे पड़े रहते हैं। तो पहला तरीका क्या है माइक्रो इंस्ट्रक्शन एड्रेस पता करने का, कि जो इनिशियल एड्रेस दे रखा है उसमें सिर्फ क्या ऐड कर दो? वन ऐड कर दो। ठीक है, या जैसे अगला एड्रेस हमें पता है कि 101 है तो अगला एड्रेस क्या होगा? 102 होगा। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, कोई सब रूटीन नहीं है, तो आपको कैसे मिल जाएगा अगला एड्रेस? सिर्फ सी ए आर प्लस वन करके।
मैक्रो इंस्ट्रक्शन का जो एड ऑलरेडी एड्रेस दिया हुआ है उसमें एक ऐड कर दीजिए। दूसरा क्या है, मान लीजिए कोई ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग मतलब आपको ये कहता है कि भाई इस एड्रेस पे जाओ, जंप करिए इस एड्रेस पे, ठीक है। हो सकता है जंप करने के लिए आपको माने लिख दे आपको कि जंप, और कोई एड्रेस दे दे कि मान लीजिए 150 पे जाइए, ठीक। तो सीधा आप क्या करोगे, 102 इंस्ट्रक्शन पर सीधा किस पे जंप कर जाओगे, 150 पे, ठीक है। तो वो भी जंप करना, जंप का मतलब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में भी ब्रांच कर जाना। लेकिन आप जंप कब करोगे, दो तरीके से कर सकते हो जंप, या तो कोई कंडीशन दे रखी हो तब जंप करोगे, या फिर कोई कंडीशन ना दे रखी हो। तो जब भी ये प्रोग्राम ब्रांच करता है, जंप करता है, तो दो तरीके से कर सकता है, या तो कंडीशनली या अनकंडीशनली। तो अनकंडीशनल और कंडीशनल ब्रांच, ठीक, डिपेंडिंग ऑन स्टेटस बिट्स फ्लैग्स। वो किस पे डिपेंड करता है, जो कंडीशनल या नॉन कंडीशनल ब्रांचिंग है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टेटस बिट फ्लैग्स। इसका मतलब क्या है, मान लो अगर सिर्फ ये लिखा हुआ है जंप 150, इसका मतलब आपको जंप करना ही करना है आपको 150 एड्रेस पर, ठीक है। इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है। अगर इंस्ट्रक्शन इस तरीके से लिखा हुआ है, इसका मतलब है जंप कब करना है, विदाउट एनी कंडीशन, आपको जाना ही जाना है 102 से किस एड्रेस पे, 150 पे। लेकिन अगर ये लिखा आता है, मान लीजिए जंप, ठीक है, और यहाँ लिखा जाता है जेड, यानी जंप कब करना है, जब आपका रिजल्ट 0 आए, यानी स्टेटस फ्लैग का स्टेटस साइन बिट का 0 बिट का क्या हो, 1 हो। जंप कब करे, जब एक्यूमुलेटर में रिजल्ट क्या हो, 0 करे, किस एड्रेस पे, 150 पे। तो ये जंपिंग या ये ब्रांचिंग क्या है, कंडीशनल है। ये आपसे कह दे कि जंप कब करे, जब रिजल्ट माइनस आए, किस एड्रेस पे, 150 पे। तो सिस्टम क्या करेगा, जंप कब करेगा, जब कंडीशन ट्रू होगी, यानी कि रिजल्ट माइनस आएगा 150 पे। अगर रिजल्ट प्लस आएगा तो कोई भी जंपिंग नहीं होगी। तो जंप करना या ब्रांच करना वो किस पे डिपेंड करता है, कंडीशनल होता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो जंप कट जाएगा, कंडीशन फॉल्स है तो जंप नहीं करेगा। तो इसकी हेल्प से भी हम क्या पता लगा सकते हैं, अगला एड्रेस पता लगा सकते हैं किस एड्रेस पर होगा, ठीक है। कैसे होगा आप पता लगाएंगे, वो हम अलग से पता लगाएंगे। लेकिन ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एड्रेस का पता करना है कि कौन सा अगला एड्रेस होगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, कंडीशन पे या अनकंडीशनल। क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर ये ऐसे जंप कर गया तो अगला एड्रेस क्या होगा, कंट्रोल मेमोरी में 150 होगा, रेदर देन जो नॉर्मली चल रहे थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक और फैक्टर है जो किसको वेरी कर रहा है, आपका कंट्रोल एड्रेस में, जो आपका कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में जो एड्रेस है उसको वेरी करने का या उसको जनरेट करने का फैक्टर दूसरा क्या है, अनकंडीशनल या कंडीशनल ब्रांच। अगर आपकी ब्रांच कंडीशनल है या ब्रांच अनकंडीशनल है, तो उस रीजन से भी आपका नेक्स्ट एड्रेस चेंज हो सकता है, जो नॉर्मल सीक्वेंस है उसको डिस्टर्ब करते हुए, ठीक है। कैसे जनरेट करेंगे वो अभी हम डिस्कस करेंगे। थर्ड कंडीशन इज सबरूटीन कॉल एंड रिटर्न। इसका मतलब क्या है कि अगला एड्रेस आपका, जो अगला तरीका एड्रेस जनरेट करने का, वो क्या है कि कोई सबरूटीन कॉल की जाती है। सबरूटीन मतलब कोई फंक्शन कॉल किया जाता है, तो भी क्या होगा, एड्रेस चेंज हो जाएगा, नॉर्मल एड्रेस नहीं रहेगा, ठीक है। मान लो मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हमारे इंस्ट्रक्शन चल रहे थे 100 पे, 101 पे, 102 पे, मान लिया कोई माइक्रो इंस्ट्रक्शन है, तभी आगे लिखा हुआ कॉल 125, यानी कॉल कर लिया किसको, सबरूटीन को, जो किस एड्रेस पर है, 125 पे, ठीक है। तो प्रोग्राम क्या करेगा, सीधा क्या चला जाएगा, 125 एड्रेस पे चला जाएगा, और वहां पे जो सबरूटीन या फंक्शन पड़ा होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो जो नॉर्मल सीक्वेंस चल रही थी एड्रेस जनरेशन की, वो क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। प्रोग्राम सीधा किस एड्रेस पे आ गया, 125 एड्रेस पे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपका एड्रेस कैलकुलेट किया जा सकता है, सबरूटीन के कॉल होने पर और रिटर्न, यानी कि ये जो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा ये सब रूटीन, तो लास्ट में क्या लिखा रहता है, रिटर्न। रिटर्न का मतलब जहां पर आप हो वहां से वापस किस पे जाओ, मेन प्रोग्राम पे। फंक्शन पे गए आप सब रूटीन को कॉल करके, फंक्शन एग्जीक्यूट कर लिया, एग्जीक्यूट करने के बाद वापस आप किस पे जाओगे, मेन प्रोग्राम पे जाओगे, ठीक है। तो उसको फिर एग्जीक्यूट करोगे लौटने के बाद। लास्ट मेथड क्या है, मैपिंग फ्रॉम मशीन इंस्ट्रक्शन
टू माइक्रो इंस्ट्रक्शन एड्रेस, यानी जो आपका बेसिक इंस्ट्रक्शन होता है, जो मशीन इंस्ट्रक्शन होता है, यानी कह सकते हैं जो हमने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आपको बताए थे, जिसके अंदर आपका ऑप कोड होता है, जिसके अंदर एड्रेस फील्ड होता है, जिसके अंदर मोड बिट होती हैं, ठीक है, थीके? जो हमने आपको डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रक्शन बताए थे, वो जो बेसिक इंस्ट्रक्शन जो कि मेन मेमोरी में स्टोर्ड रहते हैं, उनको यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर का एड्रेस पता लगा सकते हैं। हम ये पता लगा सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन किस एड्रेस पे मिलेगा, किसका यूज़ करके, मैपिंग प्रोसेस का। मैपिंग प्रोसेस करता क्या है कि जो इंस्ट्रक्शंस है कंप्यूटर के, जो मेन मेमोरी पड़े रहते हैं, उसकी हेल्प से भी हम सीधे क्या जनरेट कर सकते हैं, माइक्रो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेंसर के अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, चार तरीके से एड्रेस जनरेट कर सकते हैं। पहला, सिक्वेंशियल वे में एक एक एड्रेस प्लस करते जाओ, आपका एड्रेस कैलकुलेट हो जाएगा। दूसरा, अनकंडीशनल और कंडीशनल ब्रांच हैं, जैसे जंप आए, जंप विद कैरी, जंप विदाउट कैरी, ठीक है, जंप विद साइन बिट, जंप विदाउट साइन बिट, ठीक, या सिंपल जंप, वो क्या है, कंडीशनल और नॉन कंडीशनल जंप थे, वो किस कैटेगरी में थे, इस कैटेगरी में। थर्ड क्या है, सबरूटीन कॉल एंड रिटर्न, अभी आपको बताया, कोई फंक्शन कॉल कर लिया तो आपका एड्रेस चेंज हो गया, फंक्शन से रिटर्न हुआ या सब रूटीन से रिटर्न हुआ तो आपका एड्रेस चेंज हो गया। लास्ट क्या, एड्रेस पता करने का तरीका, कि जो आपके मेन मेमोरी में मेन इंस्ट्रक्शंस पड़े रहते हैं, ठीक है, उसका भी यूज़ करके हम क्या जनरेट कर सकते हैं, माइक्रो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चार मेथड में से जो हमें नई चीज़ लगी, इससे पहले जैसे सब रूटीन है, ब्रांचिंग है और या इंक्रीमेंट है, ये हम पहले से ही इनका आइडिया है, जो नई चीज़ है वो है मैपिंग, कैसे आप किसी भी कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन को कॉपी कर सकते हैं माइक्रो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पता लगाने में, ठीक है। कभी कभी इस पर न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है कि किस तरीके से आप मैपिंग करोगे, तो मैपिंग करने का जो तरीका है वो हम डिस्कस करते हैं, मैपिंग फ्रॉम मशीन इंस्ट्रक्शन टू माइक्रो इंस्ट्रक्शन एड्रेस, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या लिया, कि इंस्ट्रक्शन लिया जो किसमें स्टोर्ड होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, ठीक है। हमने ऑलरेडी इसके बारे में बताया था कि जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं कंप्यूटर में, अगर आपको याद हो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, तो उसके थ्री पार्ट्स थे, एड्रेस पार्ट, ऑपरेशन कोड पार्ट और मोड बिट पार्ट, ठीक है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो कहाँ पढ़ सकते हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स में, जहाँ हमने किसके बारे में बता रखा है कि मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस कैसे होते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है ये समझाने के लिए कि किस तरीके से मशीन इंस्ट्रक्शंस को आप कॉपी कर सकते हो माइक्रो इंस्ट्रक्शन एड्रेस में, ठीक है। तो किसी भी इंस्ट्रक्शन के तीन पार्ट होते हैं, एड्रेस पार्ट, ऑपरेशन कोड पार्ट और मॉड बिट। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि ये 11 बिट का एड्रेस है, 3 बिट का एड्रेस है या 1 बिट का मोड कोड है, मोड बिट है, ये सिर्फ एक कंप्यूटर स्पेसिफिक है। हमने एक सैम्पल एग्जाम्पल ले लिया किसी भी कंप्यूटर का और उसके अकॉर्डिंगली अज्यूम कर लिया, ठीक है। लेकिन जो फील्ड्स हैं वो किसी भी साइज का कंप्यूटर हो, किसी भी साइज का इंस्ट्रक्शन हो, ये फिक्स रहेंगे। सो फॉर्मेट की जो कंपोनेंट है, एड्रेस हुआ, ऑपकोड हुआ, मोड बिट हुआ, ये फिक्स रहते हैं। बिट्स जो है वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर वेरी कर सकती हैं, आर्किटेक्चर टू आर्किटेक्चर वेरी करती हैं। जो हमने सैम्पल एग्जाम्पल लिया है उसमें 11 बिट का एड्रेस है, 3 बिट का ऑपकोड है और 1 बिट का मोड बिट है, ठीक है। मोड बिट आपका कहता है कि डायरेक्ट मोड भी हो सकता है और इनडायरेक्ट मोड भी हो सकता है। ऑपकोड आपको पता ही है, ऑपरेशन कोड को स्पेसिफाई करता है कि कौन सा ऑपरेशन होगा। एड्रेस किसको स्पेसिफाई करता है कि मेमोरी में किस एड्रेस पर वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का ऑपरेंड होगा, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है जो किसने पढ़ा हुआ है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में पढ़ा हुआ है। इसकी हेल्प से आपको करना क्या है, इसकी हेल्प से आपको माइक्रो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पता लगाना है, ठीक है। तो हमने इसमें अज्यूम किया है कि जो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस हैं, टोटल जो कंट्रोल मेमोरी है, इसके अंदर कितने इंस्ट्रक्शंस हैं, 128 लोकेशंस हैं। तो 128 लोकेशंस से अगर इस कंट्रोल मेमोरी के अंदर, तो टोटल माइक्रो इंस्ट्रक्शन कितने आएंगे, 128 आएंगे, ये हमने एज्यूम कर रखा है। इसका मतलब हर इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कितने बिट का होगा, 128 का मतलब 2 की पावर 7। इसका मतलब हर इंस्ट्रक्शन कंट्रोल मेमोरी में कितने बिट का होगा, 7 बिट का होगा, ठीक है। अगर ये कंप्यूटर में ये एज्यूम कर लेंगे टोटल 256 माइक्रो इंस्ट्रक्शंस हैं, 256 हैं, ठीक है, तो एड्रेस कितने बिट का होगा, 2 की पावर 8, क्योंकि 2 की पावर 8 किसके इक्विवेलेंट होता है, 2 की पावर 6, 256 के, ठीक है। तो यहाँ हमने एज्यूम क्या कर रखा है, वी हैव एज्यूम
कि टोटल कंट्रोल मेमोरी कितने इंस्ट्रक्शन से 128 है। इसका मतलब हर एड्रेस कंट्रोल मेमोरी में हर माइक्रो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कितने बिट का होगा? 7 बिट का होगा। ठीक है, तो हमने लिखा हुआ है कि लेट अस कंसीडर कि कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर जिसमें हर माइक्रो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है वो कितने बिट का है? 7 बिट का है। और जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ये वाला ये कितने बिट का है? इट इज ऑफ 16 बिट। ठीक है, टोटल इंस्ट्रक्शन आपका ये 16 बिट का है। वी हैव एज्यूम्ड इट बोथ द आर द एजम्पशंस। ठीक, अब इधर देखेंगे हम किस तरीके से वाकई जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन पड़ा हुआ है ये वाला इसको मैप किया जा रहा है किसमें? कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में, यानी कंट्रोल एड्रेस कैसे पता लगाया जा रहा है। ठीक है, तो मैपिंग का जो इंस्ट्रक्शन दे रखा है, मान लीजिए इंस्ट्रक्शन के मोड बिट की वैल्यू क्या दे रखी है? 0। ऑपरेशन कोड क्या दे रखा है? 0111। और मान लीजिए एड्रेस आपको दे रखा है 10110010 ये एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पड़ा हुआ इंस्ट्रक्शन है जिसका मोड बिट ये है, ऑपकोड बिट ये है और ये एड्रेस बिट है। और जो मैप करने का लॉजिक है वो यहाँ दे रखा है। ये आपको अगर न्यूमेरिकल भी आता है तो आपको दे रखा होगा। लॉजिक क्या कहता है कि जो आपका माइक्रो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा उसकी बिट नंबर 0, बिट नंबर 1, बिट नंबर 6 की वैल्यू तो क्या होगी? 0 फिक्स। उसने कह दी जो आप माइक्रो इंस्ट्रक्शन एड्रेस जनरेट करोगे मैपिंग लॉजिक यूज करके उसकी बिट नंबर 0, बिट नंबर 1 और बिट नंबर 6 क्या होगी? 0 होगी। और साथ ही साथ जो कंट्रोल एड्रेस रखी 016 बिट की तो वैल्यू 0 कर दी। अब बची कौन कौन सी बिट? बिट नंबर 2, बिट नंबर 3, बिट नंबर 4, बिट नंबर 5। बिट नंबर 0, बिट नंबर 1 और बिट नंबर 6 तीनों की वैल्यू क्या कह दिया उसने? 0। और बिट 0 से जो बाकी बिट बची कौन कौन सी? 2, 3, 4, 5। उसके लिए क्या कह रहा है कि 2 से लेकर 5 तक जो एड्रेस बिट्स हैं वो क्या होंगी? जो ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है इसकी 11 से लेकर 14 बिट। ये लॉजिक ऑलरेडी गिवन होगा आपको अगर न्यूमेरिकल कोई आता है कि जो मेन मेमोरी में इंस्ट्रक्शन पड़ा हुआ है उसकी 11 से लेकर 11 से लेकर जो 14 तक बिट है वो कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर की 2 से लेकर 5 तक की बिट होगी। तो हम देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की 11 से लेकर 14 तक बिट कौन सी हैं। 11 से लेकर 14 तक बिट क्या है? 0111। 11 से लेकर 14 तक कौन सी बिट है? 0111। ठीक है, ये जो 0111 है ये क्या बन जाएंगी? कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर की 2 से लेकर 5 तक बिट। देखिए 0111 2 से लेकर 5 तक की बिट क्या कर दी हमने? 0111। ये वाली जो बिट थी ये एज इट इज यहाँ पर आ गई, इसकी 2 से लेकर 5 तक की बिट सी आर की। ठीक है, और सी आर की 0 16 बिट, 0 बिट 1 बिट 6 बिट वो क्या हो गई? 0 हो गई। तो ये आपका मैपिंग लॉजिक है, ये आपका मेन मेमोरी का मशीन इंस्ट्रक्शन है और इससे जो वैल्यू निकल के आई कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर के एड्रेस की वो इस तरीके से निकल के आई। ठीक है, तो ये चौथा तरीका है। पहला तो कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर पता करने का, अनकंडीशनल कंडीशनल ब्रांच से पता करने का, सबरूटीन कॉल और रिटर्न से एड्रेस पता करने का, और लास्ट क्या? मैपिंग से। मैपिंग से कैसे पता लगाते हैं? तो हमने एक एग्जाम्पल लेके बताया है कि इस तरीके से आप किसी भी कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन को जो कि कहाँ सेव रहता है हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, ठीक है, उसको आप किस में कॉपी कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर के एड्रेस में। ठीक है, तो चौथा मेथड भी आपको क्लियर हो गया, ये ऑलरेडी आपको पता ही है, ये बेसिक मेथड है। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन होता है, अभी तक हमने किसके बारे में डिस्कस किया? अभी तक हमने डिस्कस किया एड्रेस कैसे पता लगाते हैं, जो कंट्रोल मेमोरी के अंदर इंस्ट्रक्शंस पड़े हुए हैं उनका एड्रेस कैसे पता लगाते हैं। ये कंट्रोल मेमोरी दोबारा से देखिए, ये आपकी कंट्रोल मेमोरी है, ये इसके माइक्रो इंस्ट्रक्शंस पड़े हुए हैं। हमने अभी तक क्या पता लगाया है कि जो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके एड्रेस हम कैसे पता लगा सकते हैं, हर लोकेशन का एड्रेस होगा वो कैसे पता लगाएंगे। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इन माइक्रो इंस्ट्रक्शंस के बारे में कि जो अंदर स्टोर्ड है कंट्रोल मेमोरी के अंदर माइक्रो इंस्ट्रक्शंस उनका क्या फॉर्मेट होता है। ठीक है, सो व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ द माइक्रो इंस्ट्रक्शन, माइक्रो इंस्ट्रक्शन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट के अंदर ये बेसिक फील्ड्स होते हैं F1, F2, F3, CD, BR एंड AD।
ठीक है, ये हमने एक सैम्पल फॉर्मेट लिया है, इसलिए इसकी जो बिट दे रखी है, जैसे हमने F1 3 बिट, F2 3 बिट, F3 3 बिट, CD 2 बिट, BR 2 बिट, AD 7 बिट, ये आर्किटेक्चर स्पेसिफिक है। हो सकता है कि फील्ड्स तो यही रहे हैं, लेकिन आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंगली ये बिट्स आपकी वेरी कर जाएं। किसी कंप्यूटर में आपको ज़्यादा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराने हैं तो इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, किसी में कम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराने हैं तो इनकी वैल्यू घट जाएगी। ठीक है, ऐसे ही कंडीशंस हुआ, ब्रांच हुआ, इनकी वैल्यू भी किस पर डिपेंड करेगी? आर्किटेक्चर पर डिपेंड करेगी। लेकिन ये कन्फर्म है कि जो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट होगा, जो फील्ड्स होंगे, वो यही रहेंगे, F1 F2 F3 CD BR और AD। इनकी जो नंबर ऑफ बिट्स हैं, इट दे कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन द आर्किटेक्चर ऑफ द मशीन, बट फील्ड्स विल बी सेम। तो ये F1 F2 F3 तीनों क्या हैं? दे आर कॉल्ड द माइक्रो ऑपरेशन फील्ड। ठीक है, जो माइक्रो स्पेसिफाई करते हैं वो ये फील्ड कहलाते हैं, F1 F2 F3। ठीक है, CD हमने क्या बताया? CD क्या है? CD इज द कंडीशन फॉर ब्रांचिंग। कंडीशंस क्या क्या है ब्रांचिंग की? ठीक है, जब हम कहेंगे ब्रांच करना है, उसे जंप करना है उस एड्रेस पे, तो कंडीशन क्या कहेगी, किस कंडीशन में करेगा वो? ठीक है, कंडीशन ट्रू हो रही है तब कर रहा है, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तब कर रहा है। ठीक, BR स्पेस पे मतलब ब्रांच, कब ब्रांच कर रहा है। ठीक है, ब्रांच किस पे डिपेंड करता है? ब्रांच यानी कि जंप करना किस बात पे डिपेंड करता है? कंडीशंस पे। जब तक ये दोनों आपस में मिलेंगे नहीं, तब तक आपका कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं पता लगा सकता उसका एड्रेस का। क्यों? क्योंकि ब्रांचिंग क्या कह रहा है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, JMP जंप कब करे? अगर 150 दे रखा है सीधा, तो हम कह देंगे जंप विदाउट एनी कंडीशन कर दे सीधे 150 एड्रेस पे। ठीक है, तो इसमें कोई कंडीशन लागू नहीं है, क्या अनकंडीशनल है। और अगर हमने एक और एग्जांपल लिया था, JZ 150, ये क्या कहता है? जंप कब करें? जब स्टेटस क्या हो, जीरो फ्लैग की वैल्यू 1 हो, तब किस पे जाए? 150 पे। तो ब्रांच क्या बता रहा है? कि जंप करना है। और कंडीशन क्या बता रहा है कि कब करना है जंप? जब जेड की वैल्यू 1 है। कंडीशन ये, जेड की वैल्यू 1 है तो जंप करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये दोनों आपस में कॉम्बिनेशन में काम करती हैं। लास्ट क्या है? एड्रेस। हमने कह दिया F1 F2 F3 के थ्रू कि ये ऑपरेशन करना है माइक्रो इंस्ट्रक्शन का, ये माइक्रो ऑपरेशन करिए। जंप कब करे? जब ये दोनों कंडीशन मिल जाए। और जंप किस एड्रेस पे करे? जो मैंने लिखा है लास्ट में 150 एड्रेस, वो एड्रेस कहाँ से आएगा? वो एड्रेस इस फील्ड से आएगा। और क्यों इसमें 7 बिट ले रखी है? क्योंकि हमने एज्यूम क्या कर रखा है कि कंट्रोल मेमोरी का साइज कितना है, 128, यानी कि 2 की पावर 7, इसलिए लिखा हुआ है 7 बिट का एड्रेस। तो जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है, कंक्लूजन ये कहता है, उसके एक बेसिक फील्ड है F1 F2 F3, जो माइक्रो ऑपरेशन बताते हैं, कितने माइक्रो ऑपरेशन हो सकते हैं, 3 3 बिट के तीनों दे रखे हैं, इसका मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 8 ऑपरेशन 8 ऑपरेशन 8 ऑपरेशन। ठीक है, टोटल 24 ऑपरेशन के स्पेसिफाई कर रहे हैं। CD आपका 2 बिट का है, कितनी कंडीशंस को, कितनी स्टेटस फ्लैग कंडीशन को स्पेसिफाई कर सकता है? 4 को। 2 बिट मतलब कितनी कंडीशन? 2 की पावर 2, 4 कंडीशंस। ब्रांच 2 बिट का है, यानी कि 4 डिफरेंट ब्रांच कंडीशन को ये शो कर सकता है। लास्ट वन इज द एड्रेस। जब ब्रांच करेगा किसी कंडीशन के सेटिस्फाई होने पर या ना सेटिस्फाई होने पर, जब, तो उसके समय एड्रेस क्या होगा, किस एड्रेस पे उसको जंप करना है या किस एड्रेस पे जंप नहीं करना है, या सब रूटीन कॉल होगी तो किस एड्रेस पे होगी कॉल, वो ये एड्रेस बताएगा। ठीक है, तो किसी माइक्रो इंस्ट्रक्शन के अंदर ये फील्ड होना जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि वो आपके कंट्रोल मेमोरी में वर्क करें। अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं अबाउट द माइक्रो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ये हमने बताया तो आपको F1 F2 F3 में माइक्रो ऑपरेशन होते हैं, CD BR में कंडीशन और ब्रांचिंग होती हैं, AD में एड्रेस होता है। इसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लोर करके देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ होती है। तो जैसा कि हमने बताया था कि F1 F2 F3 तीनों क्या स्पेसिफाई करते हैं, 3 3 बिट के हैं, तो 8 8 माइक्रो ऑपरेशन स्पेसिफाई करते हैं। अगर यही 4 4 बिट के होते तो 16 माइक्रो ऑपरेशन स्पेसिफाई करते, 5 बिट के होते तो 2 की पावर 5, 32 ऑपरेशन स्पेसिफाई करते। ठीक है, वो डिपेंड किस पे करेगा? मशीन आर्किटेक्चर पर डिपेंड करेगा, किस टाइप का आर्किटेक्चर दे रखा है। और जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, अगर मैंने कहा 2 की पावर 3 8 ऑपरेशंस हैं, तो एक ऑपरेशन सबसे पहले क्या होगा? नो ऑपरेशन।
यानी बेसिकली जो काम करने वाले ऑपरेशंस हैं वो एक निकाल दीजिए। एक ऑपरेशन क्या होगा, वो एक कंडीशन, नो ऑपरेशन, ठीक है। ऐसे ही एट ऑपरेशन स्पेसिफिक कर रहे हैं इंक्लूडिंग वन नो ऑपरेशन, ऐसे ये एट ऑपरेशन माइक्रो स्पेसिफिक कर रहे हैं एक नो ऑपरेशन। तो टोटल ऑपरेशन तो हैं 24, टोटल माइक्रो ऑपरेशन कितने हो गए, 8 + 8 + 8, जिनमें से 21 ऑपरेशन तो एक्चुअली हैं और 3 क्या है, नो ऑपरेशन। यानी ये माइक्रो इंस्ट्रक्शंस कितने के माइक्रो ऑपरेशन इसके स्पेसिफाई कर सकते हैं, 21। क्यों 3 क्यों नहीं, क्योंकि 3 आपकी क्या है, नो ऑपरेशन। उन केसों में सिस्टम कोई भी वर्क नहीं करेगा, कोई भी माइक्रो ऑपरेशन नहीं जनरेट करेगा कंप्यूटर में, कोई भी माइक्रो ऑपरेशन नहीं होगा उन केसेस में, ठीक है। तो ये जो 24 माइक्रो ऑपरेशंस हैं, ये जो माइक्रो ऑपरेशंस हैं ये आपके कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है रजिस्टर की वैल्यू को बढ़ाना हो, इंक्रीमेंट करना हो, डिक्रीमेंट करना हो किसी वैल्यू को, ठीक है, एडिंग करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशन स्पेसिफाई करना हो, एक्स और नॉर, ऐसे शिफ्ट ऑपरेशन करना हो, शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट, ठीक है, सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट सर्कुलर राइट शिफ्ट, जो भी ऑपरेशन स्पेसिफाई करने, चाहे वो आर्थमेटिक हो, चाहे लॉजिकल हो, या शिफ्ट ऑपरेशन हो, या कुछ अलग से एडिशनल जो माइक्रो ऑपरेशन होते हैं, वो सारे के सारे इसमें कवर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो F1 F2 F3 फील्ड आपके क्या कर रहे हैं, माइक्रो ऑपरेशन को स्पेसिफाई कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आप जानते होंगे माइक्रो ऑपरेशन है क्या। माइक्रो ऑपरेशन की डेफिनेशन फिर से यहाँ रिवाइज करा देता हूँ। माइक्रो ऑपरेशन मीन्स द फंडामेंटल और द बेसिक ऑपरेशन दैट आर परफॉर्म ऑन द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर। कंप्यूटर के अंदर जो कंटेंट ऑफ रजिस्टर पर ऑपरेशन किए जाते हैं वो माइक्रो ऑपरेशन कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम काउंटर में कोई वैल्यू पड़ी हुई है और आप उसको एड्रेस रजिस्टर में ले गए, ये एक माइक्रो ऑपरेशन है, ठीक है। इस तरीके से प्रोग्राम काउंटर वैल्यू आपने मान लीजिए 1 बढ़ा दी, ये आपका एक माइक्रो ऑपरेशन है, ठीक है, जिसमें रजिस्टर का इन्वॉल्वमेंट रहता है कि रजिस्टर के कंटेंट पे आप कोई ऑपरेशन कर रहे हो। तो F1 F2 F3 जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन के फील्ड थे वो आपको क्लियर हो गए। अब अगला फील्ड जो था उसमें था CD, कंडीशंस दे रखी थी आपको, कितने बिट का दे रखा था, 2 बिट का, ठीक है, 2 बिट का इस आर्किटेक्चर के लिए। इट मे बी कि दूसरे आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंगली कंडीशन बढ़ जाए, हो सकता है कि कंडीशन आपकी यहाँ तो कितनी स्पेसिफाई कर रहे हैं हम 2 बिट के थ्रू, ये 2 बिट का फील्ड है, उसके थ्रू हमने कितनी कंडीशन स्पेसिफाई की है, 4 कंडीशन। डायग्राम क्या था माइक्रो इंस्ट्रक्शन का, मैं आपके रेफरेंस के लिए दोबारा बना दूं, F1 F2 F3 CD BR AD, ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट था, जिनमें 3 3 बिट के ये थे, 2 बिट का ये था, 2 बिट का ये था, 7 बिट का ये था, ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट था। अभी हमने देखा था लास्ट, तो CD कितने बिट का है, 2 बिट का। अगर कंडीशन 2 बिट कितनी कंडीशन स्पेसिफाई कर सकता है, 4 कंडीशन। अगर 2 बिट का दे रखा है आपका ये CD, इसका मतलब कितनी कंडीशन बताएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 कंडीशन। 2 बिट की क्या है, ब्रांचिंग है, इसका मतलब मैक्सिमम कंडीशन ये कितनी स्पेसिफाई करेगा, 4। अगर इससे ज़्यादा ब्रांच कंडीशंस हैं या इससे ज़्यादा कंडीशन स्टेटस फ्लैग्स हैं तो आपको 2 की जगह 3 बिट लेना पड़ जाएगा, हो सकता है 4 बिट लेना पड़े, ठीक है। लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल लॉजिक है वो सब में सेम रहेगा। अब जैसे एज्यूम किया हमने कि 2 बिट ही हैं, तो 2 बिट में इन्होंने 4 कंडीशन एज्यूम कर रखी हैं कि 2 बिट के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं, कि CD की वैल्यू या तो 0 0 होगी, या फिर 0 1 होगी, या फिर 1 0 होगी, या फिर 1 1 होगी, ठीक है। कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं, तो वो कहते हैं अगर दोनों की वैल्यू 0 0 है, इसका मतलब ऑलवेज 1, अनकंडीशनल। कंडीशन क्या है, अनकंडीशनल, कोई भी कंडीशन नहीं है, हमेशा ऑपरेशन होगा, अनकंडीशनल ऑलवेज ट्रू, ठीक है। अनकंडीशनल का मतलब क्या, कोई कंडीशन नहीं, कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है, इट इज कॉल्ड द अनकंडीशनल ब्रांचिंग, अनकंडीशनल के केस में ब्रांच करेगा। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, 0 1, कि अगर कंडीशन की वैल्यू 0 1 दे रखी हो, इसका मतलब क्या है, इस कंडीशन का मतलब 0 1 का मतलब है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की 15th बिट। और अगर आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था, ये इसी वीडियो में पहले बताया था कि इंस्ट्रक्शन के 3 पार्ट होते हैं, एड्रेस, मोड बिट और
अपकोड, ये 0 से लेकर 10 तक था, ये 11 से लेकर 14 तक था, ये 15 था। किसके पार्ट थे सारे के सारे? हमने बताया था इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के ये पार्ट होते हैं। तो वो कह रहा है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की 15th बिट, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की 15th बिट यानी कि ये वाली मोड बिट। ये मोड बिट क्या हो सकती है? ये डायरेक्ट भी हो सकता है मोड, ये इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि 01 कंडीशन किसको स्पेसिफाई कर रही है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की 15th बिट को। ठीक है, और 15th बिट किसको स्पेसिफाई कर रही है उसमें भी? इनडायरेक्ट को, इनडायरेक्ट एड्रेस पे। कि एड्रेस, एड्रेसिंग मोड क्या है आपका? इनडायरेक्ट है। तो 00 पे कोई कंडीशन नहीं, ऑलवेज ट्रू होगी। 01 पे इनडायरेक्ट एड्रेस होगा, यानी डायरेक्ट एड्रेसिंग से एड्रेस नहीं पता लगा सकते। किससे पता लगेगा? मैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग से पता लगेगा। ठीक है, यहाँ हमने 4 कंडीशन मानी है, फिर से बता दूँ, इसके अलावा भी कंडीशंस पॉसिबल हैं, बट जो सैम्पल एग्जाम्पल हमने लिया है उसके अकॉर्डिंगली सिर्फ 4 कंडीशंस हैं। थर्ड कंडीशन क्या है? अगर वैल्यू 10 है सीडी की, तो हमने क्या माना? जो एक्यूमुलेटर है उसकी 15th बिट, एक्यूमुलेटर कंप्यूटर में एक रजिस्टर होता है, उसकी सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट, वो क्या कहलाती है? एक्यूमुलेटर की जो भी एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है उसकी सबसे लेफ्ट वाली जो बिट है, इधर वाली बिट, उसको हम क्या बोलते हैं? साइन बिट। ठीक है, साइन बिट क्या बताती है? कि रिजल्ट पॉजिटिव है या रिजल्ट नेगेटिव है। तो थर्ड कंडीशन किससे पता लगेगी हमें? साइन बिट से, साइन बिट ऑफ एक्यूमुलेटर। वो पॉजिटिव है एक्यूमुलेटर की वैल्यू या नेगेटिव है? ठीक है, क्या साइन है? 0 का मतलब, अगर साइन बिट की वैल्यू 0 दे रखी है, 15th बिट की वैल्यू, इसका मतलब रिजल्ट पॉजिटिव है। 1 दे रखी है, इसका मतलब रिजल्ट नेगेटिव है। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन किस पे डिपेंड कर रही है? एक्यूमुलेटर के सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट पे, जो क्या बताती है? साइन बताती है कि जो नंबर दे रखा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लास्ट कंडीशन क्या स्पेसिफाई करती है? 1 1 1 1 का क्या, हम क्या चेक करते हैं? 0 वैल्यू इन एक्यूमुलेटर। अगर एक्यूमुलेटर के अंदर सारी की सारी बिट क्या है? 15 की 15 बिट 0 हैं, सभी 0 हैं, तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? 0 फ्लैग वाली। अगर एक्यूमुलेटर पूरा का पूरा 0 है, इसका मतलब 0 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कि रिजल्ट पूरा का पूरा क्या है? 0 है। ठीक है, तो कौन कौन सी 4 कंडीशन हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं? अनकंडीशनल की कोई कंडीशन ना हो, ठीक है, वो हमेशा ट्रू रहेगी। उसके अलावा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, ठीक है, आपका साइन बिट और 0 फ्लैग, साइन फ्लैग, 0 फ्लैग, इनडायरेक्ट एड्रेस बिट और अनकंडीशनल, 4 कंडीशन को हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। ब्रांचिंग 2 बिट, ब्रांचिंग में क्या क्या आएगा? जंप। अगर ब्रांचिंग की वैल्यू दोनों की 0 0 दे रखी है, तो 0 0 पे क्या कह रहा है? जंप करेगा। 0 1 पे क्या करेगा? अगर मान लीजिए दे रखा हो तो 0 1 सब रूटीन कॉल करेगा, आपको बताया था सब रूटीन कॉल होता है। 1 0 है तो रिटर्न करेगा सब रूटीन से, जब सब रूटीन पर गया है तो उससे वापस भी लौटेगा। लास्ट कंडीशन क्या है? 1 1 अगर BR की वैल्यू क्या दे रखी है? 1 1 तो क्या करेगा? मैपिंग करेगा। ठीक है, तो ब्रांचिंग में 4 तरीके आ रहे हैं, पहला जंप, दूसरा सब रूटीन कॉल, तीसरा रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन, चौथा मैपिंग। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जंपिंग का मतलब क्या है। आपको अभी पहले बताया था कि मान लीजिए ये लिखा हुआ है कि जंप 150, ये आपकी कंट्रोल मेमोरी हमने ली थी, अगर आपको याद हो, कंट्रोल मेमोरी के हमने अंदर हमने माइक्रो इंस्ट्रक्शंस लिए थे, और हमने कहा था मान लीजिए ये एड्रेस 100 है, ये 101 है, ये 102 है, तो सीधा जंप किस पे कर रहा है? मान लीजिए 102 को एग्जीक्यूट कर रहा है, और नॉर्मली इसको किसको एग्जीक्यूट करना था 102 के बाद? जो अगला 103 वाला है, 102 के बाद इसको 103 वाला एग्जीक्यूट करना था, लेकिन 102 पर कौन सा माइक्रो इंस्ट्रक्शन आ गया कि जंप करो किस पे? 150 पे। तो क्या सिस्टम 103 पे जाएगा? नहीं जाएगा, वो सीधे किस पे चला जाएगा? 150 पे। अब जाएगा नहीं जाएगा किस पे डिपेंड करेगा? क्या कंडीशन ट्रू हो रही है या कंडीशन फॉल्स हो रही है। अगर कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो जंप कर जाएगा 150 पे, और अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो जंप नहीं करेगा। ठीक है, मान लो अगर आपको दे रखा है सीधे जे एम पी,
कि जंप लिखा हुआ है 150, तो ये किसके कैटेगरी में आता है? सिंपल जंप आपको बताया था किसमें, अनकंडीशनल में, तो इसकी इसमें तो जंप करेगा ही करेगा, किसमें, 150 एड्रेस पर। और अगर ये दे रखा हो JZ150, जंप कब करे, जब स्टेटस फ्लैग में जेड वेट क्या हो, 1 हो, रिजल्ट 0 हो तो जंप करे, अदरवाइज ना करे। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी है, अगर कंडीशन ट्रू है तो इस वाले एड्रेस पर चला जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो 103 को एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। यही तो यहाँ कंक्लूड निकल के आ रहा है, जंपिंग में क्या कंडीशन आ रही है, कंडीशन ट्रू है तो उस एड्रेस पर चला जाएगा दे रखा है, कंडीशन फॉल्स है तो वो क्या करेगा, अगला एड्रेस एग्जीक्यूट करने लगेगा। तो वही चीज़ लिखी है हमने, अगर आप देखें यहाँ पे जंप में, कि कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में जो एड्रेस है वो कौन सा लोड हो जाएगा, AD, ये वाला एड्रेस 7 बिट का लोड हो जाएगा अगर कंडीशन ट्रू है। भाई जो भी एड्रेस दे रखा है, अगर 150 एड्रेस यहाँ दे रखा है तो सीधे किस पे चला जाएगा, 150 एड्रेस पे, अगर कंडीशन ट्रू है। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है, अगर मान लीजिए ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तो सीधा सीधा क्या करेगा, जो पुरानी वैल्यू पड़ी हुई थी उसमें क्या ऐड कर दिया होगा, वो 1 ऐड कर देगा, और किस एड्रेस पे आ जाएगा, 103 पे। CR=CR+1, 1 ऐड करके आ जाएगा अगर कंडीशन आपकी फॉल्स होती है। जंप किया तो किस पे चला गया, अलग एड्रेस पे चला गया जो भी दे रखा है, और अगर जंप कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो किस पे आ जाएगा, अगले एड्रेस पे आ जाएगा। फिर देखिए 01 पे क्या लिखा है हमने, कॉल, कॉल का मतलब सब रूटीन को कॉल करना। तो मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, 102 माइक्रो इंस्ट्रक्शन आप एग्जीक्यूट कर चुके हैं, अगला आपको कौन सा करना होता, 103। जब आप 102 पे थे तो क्या लिखा आया कि कॉल 150, कॉल करिए सब रूटीन को 150 पे, अगर कंडीशन ट्रू है, ये अगर कंडीशन ट्रू है 150 वाली, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो 150 एड्रेस है वो किस में लोड हो जाएगा, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में। देखो अगर कंडीशन ट्रू है तो नया एड्रेस जो 150 है वो किस में लोड हो गया, CR में, और क्या होगा, एक कैची और लिखी हुई है कि CR+1 की वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, SBR में। ये SBR क्या चीज़ है, SBR मतलब सब रूटीन बफर रजिस्टर। जब आप कॉल करके 150 पे जाओगे, कंडीशन मान लो ट्रू है, कॉल किस पे कॉल करना है सब रूटीन को, जो 150 पर है, ठीक है, लेकिन कॉल सब रूटीन कब करेगा, जब कंडीशन ट्रू होगी, ट्रू हुई तो ये 150 पे चला गया, और 150 पे जाके इसने क्या किया, जो फंक्शन दे रखा था उसको एग्जीक्यूट किया, जब फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये वापस लौट के आएगा रिटर्न करके, रिटर्न करके जब आएगा तो इसे फिर से किसी एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, इस एड्रेस की। भाई सब रूटीन पूरा हो गया, वापस लौट के आएगा, वापस इस एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, तो जिस समय ये कॉल करके जंप करता है उस समय ये इसको सेव करके जाएगा कि मुझे लौट के इस एड्रेस पे आना है। जब सब रूटीन को कॉल किया तो नया एड्रेस तो लोड हो गया कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में, लेकिन साथ साथ जो अगला एड्रेस था उसको किस में लोड करके गया, ये सब रूटीन बफर रजिस्टर में। किस लिए लोड करके गया, कि जब ये फंक्शन पूरा हो जाएगा, फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा जिस पे गया वो, तो वापस यहीं लौट के आना है, इसलिए आगे आने वाला वाला एड्रेस वो लोड करके जाता है अगर कंडीशन ट्रू है। मान लीजिए कंडीशन ट्रू नहीं है, यानी कॉल 150 था अगर कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या करेगा, अगला एड्रेस ही एग्जीक्यूट कर देगा जो दे रखा है। तो अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या करेगा, CR=CR+1, कंडीशन फॉल्स होने पर अगले एड्रेस पे, कंडीशन ट्रू होने पे जो नया एड्रेस दे रखा है वो एग्जीक्यूट होता है। अब आप कह सकते हो कि पहले केस में हमने ऐसा क्यों नहीं किया, जब पहले केस में कंडीशन ट्रू हुई तब हम वापस लौट के क्यों नहीं आए, वो इसलिए नहीं आए कि सब रूटीन में क्या होता है कि आपने सब रूटीन को कॉल किया, यानी फंक्शन को कॉल किया, वहाँ पे गए उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं और वापस लौट के आते हैं मेन प्रोग्राम पे, क्योंकि सिर्फ उसी फंक्शन को करने गए। लेकिन अगर ये लिखा होता जंप जंप 150, इसका मतलब क्या है, आप जंप करके 150 पे चले जाइए, वापस कभी आने की ज़रूरत नहीं है। जंप अगर रिजल्ट 0 हो तो 150, मान लो अगर रिजल्ट 0 है तो सीधा किस पे जंप कर गया, 150 पे, क्या वापस कभी लौट के आएगा, जो बीच के एड्रेस रह गए, नहीं। तो जंप वाले केस में हम क्या करते हैं, अगले एड्रेस को सेव नहीं करते हैं,
जैसे इसमें कर रखा है हमने सब रूटीन बफर रजिस्टर में। ऐसे किस में नहीं करते हम, ऐसा नहीं करते हम कॉल के केस में। ठीक है, अगला कंडीशन क्या आता है, ये दो के सब रूटीन कॉल करने पर आपका ब्रांचिंग है एक हो गया जंप करने पर। थर्ड कंडीशन क्या है, रिटर्न। अगर 1-0 है ब्रांच कंडीशन तो क्या करेगा, रिटर्न करेगा किससे, सब सब रूटीन से। तो जैसे कि हमने बताया कि मान लीजिए कॉल किया सब रूटीन को, 150 पे चला गया। जब 150 पे गया था तो ये किसको सेव, इसको किस में सेव करके गया था, CR+1 को। इसको सेव करके गया था सब रूटीन बफर रजिस्टर में। CR+1 को कहाँ सेव करके गया था, सब रूटीन बफर रजिस्टर में। 150 पे जाके इसने फंक्शन को एग्जीक्यूट किया। जैसे ही फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो लास्ट में क्या लिखा था, रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापस वहीं पहुंच जाइए जहां से आप आए थे। कहाँ से आए थे आप, 102 पे आप एग्जीक्यूट हुए थे, आपको जाना था 103 पे। ठीक है, तो वापस लौट के किसको आना है, इसको जब सब रूटीन है से वापस लौट के कहाँ पे आएगा, 103 पे। अब 103 एड्रेस इसको मिलेगा कहाँ से, 130 एड्रेस मिलेगा इसको SPR से। क्यों, क्योंकि जब ये कॉल किया था आपने सब रूटीन को, उस समय अगले एड्रेस को आप सेव करके गए थे, किसके अंदर, सब रूटीन के अंदर। तो जब ये फंक्शन रिटर्न आएगा तो रिटर्न के साथ साथ आपको पता रहेगा कि मुझे एड्रेस कहाँ से उठाना है, सब रूटीन बफर रजिस्टर से, क्यों, उसी में सेव करके गया हूँ। तो देखिए, रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन, जो SBR में आपने सेव किया था एड्रेस, उसको किस में ले लिया, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में। यानी 103 जो एड्रेस है उसको किस में ले लिया आपने, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में ले लिया। जब फंक्शन से रिटर्न करेंगे तो लौटना ही लौटना है, जब फंक्शन पूरा हो गया तो रिटर्न हो गया, आएगा ही आएगा, इसमें कोई ट्रू फॉल जैसी कंडीशन नहीं होती है। तो देखिए, इस केस में हमने ये नहीं लिखा है कि कंडीशन ट्रू या कंडीशन फॉल्स, क्यों, जब लौटेगा फंक्शन से तो लौटना ही लौटना है फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद। ऐसा नहीं कि ऐसा होगा तो फंक्शन से लौटेगा, ऐसा होगा तो फंक्शन से नहीं लौटेगा, नहीं, हमेशा लौटना ही लौटना है, कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू, इसलिए इसलिए स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। लास्ट केस क्या है, जब दोनों की वैल्यू क्या हो, 1-1 हो। जब दोनों की वैल्यू 1-1 है तो कौन सा मेथड यूज करेगा नेक्स्ट एड्रेस जनरेट करने के लिए, मैप का वाला। अभी आपको बताया था हमने मैपिंग का प्रोसीजर, मैपिंग के प्रोसीजर में हमने क्या बताया था कि कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर की 0-1-6 से बिट 0 रहेंगी, और कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर की बिट नंबर 2 से लेकर 5 तक कौन सी होंगी, जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में बिट नंबर 11 to 14 है। अभी आपको पिछली बार बताया था इसके बारे में किस तरीके से मैपिंग करते हैं। तो ये चौथा तरीका है जिस तरीके से हम ब्रांचिंग कर सकते हैं। ये कब एप्लीकेबल होगा, जब BR की वैल्यू 1-1 है। ठीक है, और क्योंकि मैपिंग के टाइम पे भी हमें कंडीशन ट्रू होने का और कंडीशन फॉल्स होने का फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए देखिए, मैपिंग के टाइम पर कहीं भी नहीं लिखा है हमने कंडीशन ट्रू या कंडीशन फॉल्स। कंडीशन ट्रू या कंडीशन फॉल्स किस किस केस में वर्क करती है, जंप के केस में और कॉल के केस में। ठीक है, जंप में हमेशा प्रोग्राम कभी वापस लौट के नहीं आता जहाँ पे जंप कर जाता है। कॉल के केस में जब कॉल फंक्शन या कॉल सबरूटीन जो भी होती है जब वो पूरी हो जाती है तो हमेशा सिस्टम वापस लौट के आता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें हम इसमें जो लौटने वाला एड्रेस सेव करके जाते हैं, इसमें कहीं भी सेव करके नहीं जाते। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो अभी तक हमने पढ़ी किसको डिजाइन करने के लिए, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के लिए। ठीक है, अब ये सारी बेसिक चीज़ें हम समझ चुके हैं। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द कंप्लीट और वी कैन सी द होल माइक्रो कंट्रोल यूनिट, हाउ इट वर्क्स। ठीक है, ओवरऑल प्रोसेस हम उसको समझ सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने ये समझ लिया। ठीक है, इन केस यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट इट विल मोटिवेट मी फॉर द फ्यूचर वीडियोज। थैंक यू।